लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर के जो बयानबाजियां की थी, उससे अब बिहार की राजनीति में हलचलें तेज हो गई है। जगदा बाबू और तेज प्रताप की इस लड़ाई को देखते हुए सत्ता पक्ष के नेता इस मौके का फायदा उठाते हुए लालू परिवार पर खूब खड़ी खोटी सुना रहे हैं, लालू परिवार से सवाल पूछ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी से नेता भी है वो, उन्होंने लालू परिवार से सवाल पूछा है। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, आपको दिखाते हैं। अब तेज प्रताप जी किस प्रवृत्ति से बने हैं ये आप सब लोग जानते हैं, और वहाँ पर तो अपने आपस में भाई बहनों में वर्चस्व की लड़ाई है। तो जब किसी पार्टी को आप परिवार का बना देंगे तो निश्चित रूप से वो परिवार में ही वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। जब वो पार्टी समाज की होती है तब ना, मैं तो तेजस्वी यादव से कल भी इस बात को पूछना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लाइन बोलते हैं कि हम जातीय जनगणना होना चाहिए, सभी समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो उनके पार्टी में बाकी समाज को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता है? वहाँ पर केवल एक ही समाज और एक ही परिवार विशेष क्यों है? इस पर तुमको बताना चाहिए ना। जदयू में भी दो पार्ट चल रहा है। तो आपने सुना नितिन नवीन को, उन्होंने सीधे तौर पर ये सवाल किए हैं कि जहाँ तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव लगातार बिहार में जातीय जनगणना और सभी समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर के लगातार बातें करते हैं, तो वो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व करने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं, कुछ लोगों का आदर सम्मान क्यों नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि बीते रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर के काफी बयानबाजियां की थी और उनकी तुलना हिटलर से कर दी थी और कहा था कि पद किसी की बपौती नहीं होती है बल्कि उन्हें अपने काम से ही जाना जाया जाता है। उनके इस बयान से आहत हो गए जगदा बाबू, कुछ दिनों से पार्टी कार्यालय में नजर नहीं आ रहे हैं और पार्टी कार्यालय से उन्होंने दूरियां बना ली है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव और जगदा बाबू की ये लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि कई बार ऐसे बयानबाजियां तेज प्रताप यादव की तरफ से लगातार आते ही रहते हैं। अभी आरजेडी के स्थापना दिवस पर भी तेज प्रताप यादव ने खुले मंच से आक्रामक तौर पर जगदा बाबू को लेकर के काफी टिप्पणियां की थी, जिसके बाद से ये खबरें आ रही थी कि जगदा बाबू अब अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने बीच बचाव करते हुए इस मोर्चे को संभाल लिया था और उन्हें इस्तीफा देने से मना लिया था, लेकिन अब जो अटकलों का बाजार तेज हो चुका है, तेज प्रताप यादव ने जो इतने तल्ख तेवर दिखला करके अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के ऐसी बातें कह दी है, अब सत्ता पक्ष ने इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष की तरफ से तो ये तक ऑफर आ गया है कि जगदा बाबू को आरजेडी को छोड़ देना चाहिए और एनडीए गठबंधन के साथ हो जाना चाहिए। तो अब देखना दिलचस्प होता है कि आगे की राजनीति में क्या कुछ ये मामला मोड़ लेता है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।